पब्लिक टीवी आपकी आवाज। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर इनरविल क्लब मुरादाबाद सिविल लाइन्स द्वारा शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें अध्यक्षा द्वारा 10 शिक्षिकाओं को गिफ्ट और सर्टिफिकेट देकर सम्मान दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अध्यक्षा सुनीता गुप्ता, सचिव मनीता रस्तोगी रही, साथ ही सुनीता भदौरिया, नेहा वर्मा, प्रियंका गुप्ता, रीना गोयल, शिवानी वर्मा, मनिका रस्तोगी, रजनी शर्मा, कंचन अग्रवाल, इंदिरा गुप्ता, पूनम रस्तोगी, शुभी रस्तोगी, पार्षद अजय दिवाकर और अंशु भैया के साथ अन्य लोग भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर स्कूल में उपस्थित सभी अध्यापिकाओं को सम्मानित किया गया। साथ ही इस अवसर पर बच्चों के द्वारा सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिनकी छटा देखते ही बनती थी। इस अवसर पर कहा गया कि देश के सर्वांगीण विकास की नींव अध्यापक होते हैं, तो वहीं कोरोना काल में शिक्षकों ने जब स्कूल बंद थे, किसी न किसी रूप में अपने कार्य को करने के बाद अपना सहयोग दिया। इस दौरान सभी ने खुशी जताते हुए शिक्षकों को सम्मानित किया, तो वहीं अन्य लोगों ने कहा कि अगर शिक्षक और ईश्वर एक साथ खड़े हो जाएं, तो शिक्षकों को हम पहला सम्मान देंगे, क्योंकि शिक्षक ही ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग दर्शाता है। उन्होंने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के पीछे भी शिक्षकों का सर्वश्रेष्ठ योगदान बताया। इस अवसर पर अध्यक्षा द्वारा सभी का आभार प्रकट किया गया और सभी को शुभकामनाएं दी गयी। हम मानसरोवर इंटर कॉलेज में शिक्षिका दिवस पर टीचरों को सम्मानित करने के लिए आए हुए हैं। आज शिक्षक दिवस है, इसलिए इनरविल क्लब ऑफ मुरादाबाद सिविल लाइन 310 से मैं सुनीता गुप्ता प्रेसिडेंट टीचरों को सम्मानित किया है। और हम चाहते हैं कि जो शिक्षक दिवस होता है, इससे बड़ा पर्व नहीं होता, क्योंकि जो शिक्षा हमें गुरु से मिलती है, वो हमारे परिवार में हमारे बच्चों को मिलती है। और शिक्षक दिवस पर हम हर बार इनरविल सिविल लाइन से 310 से हमेशा ही हम टीचरों को सम्मानित करते हुए आए हैं और करते रहेंगे। हम मेरा सभी टीचर्स को नमस्कार, मेरे सभी चीफ गेस्ट को नमस्कार, मेरे प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हमने इस 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को एक शिक्षक दिवस मनाया। हमने इसमें शिक्षक दिवस में बच्चों ने बहुत प्यारी प्यारी अपनी झलकियाँ दिखाई, परफॉर्मेंस दिखाई, यहाँ पे अपनी कविताएं सुनाई, और हमारी सभी शिक्षिकाओं ने यहाँ पे बहुत अच्छे से स्पीच दी। हमने इस तरीके से अपना टीचर्स डे सेलिब्रेट किया। जस्ट को मैं सबसे अच्छा मैसेज वैसे ये देना चाहती हूँ कि नम्रता से ही गुरुत्वता प्राप्त होती है। अगर हम नर्म तरीके से, शांत स्वभाव से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, तो बहुत अच्छे से बच्चे जो है हमारे शिक्षक हो पाएंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।